हेलो स्टूडेंट, आप सभी का टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम प्रीति मीना है एंड मैं जीपीसी 12 में इलेक्ट्रिकल की लेक्चरर हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कोड है 303 और इसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3 अर्थिंग। तो अर्थिंग से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि अर्थिंग क्या होता है, सबके घरों में होती है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी। और जब अगर तुम लोग ट्रेनिंग पे जाते हो तो ट्रेनिंग में तुमने जीएसएस विजिट किया है, वहाँ पे हर एक इक्विपमेंट की अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग हम सेफ्टी पर्पज़ से करते हैं, तो अर्थिंग करने का हमारा ये पर्पज़ है। ठीक है, तो अर्थिंग बेसिकली होती क्या है, अर्थिंग में क्या होता है, जो भी हमारा इक्विपमेंट है या हमारा कोई भी नॉन इक्विपमेंट है उसका नॉन करंट कैरिंग जो पार्ट होता है, उस नॉन करंट कैरिंग पार्ट को हम अर्थ कर देते हैं, अर्थ वायर के थ्रू ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी हमारा सप्लाई सिस्टम है उसका न्यूट्रल वायर है उस न्यूट्रल वायर को हम अर्थ कर देते हैं। ये हमारा अर्थिंग होता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो फॉल्ट करंट होती है और शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो हमारी इक्विपमेंट या हमारे ऑपरेटर को नुकसान पहुँचाने के बजाय वो ज़मीन में चली जाती है, अर्थ हो जाती है। ये हमारा अर्थिंग करने का पर्पज होता है। अब क्या होता है, अर्थ कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक 3-पिन प्लग एंड 3-पिन सॉकेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे क्या है, 3-पिन प्लग है, इसमें एक फेज़ का होता है, एक न्यूट्रल का होता है एंड ये हमारा अर्थ के लिए होता है। अब इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं और जो हमारा ये अर्थ पिन होता है, इसे हम अर्थ पिन बोलते हैं, ये अपर वाली है, इसको अर्थ पिन बोलते हैं, इसको हम इन दोनों के कंपेयर में लॉन्गर बनाते हैं और थिकर बनाते हैं, मोटा बनाते हैं और लंबा इसको हम बनाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम इसको, मान लो ये बोर्ड है हमारा और इसको इसमें कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट में सबसे पहले ये हमारी पिन इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट में आएगी। अब ये हमारी इसमें इंसर्ट होगी तो मान लो हमारा कोई लीकेज करंट है किसी भी बॉडी के अंदर, हमारा जो फेज वायर है वो इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से हमारी जो मेटल बॉडी है उससे टच हो गया तो अब जो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, बॉडी में फ्लो हो रहा है। अब बॉडी में फ्लो होगा तो ऑपरेटर मान लो उस बॉडी को टच करेगा, इस तरीके से उसने टच कर दिया तो करंट कहाँ जाएगा, बॉडी के थ्रू होते हुए सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें शॉक लग जाएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थिंग, अगर हमारी अर्थिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये अर्थ वायर कनेक्ट होगा, अर्थ वायर के ये अर्थ पिन कनेक्ट होगी अर्थ वायर के थ्रू। अर्थिंग कहाँ होती है, घर से हमारे 1-1.5 मीटर दूर गड्ढा बनाया जाता है उसमें। अब यहाँ इसको हमने इसको कनेक्ट किया तो सबसे पहले ये पिन जाएगी तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में सबसे पहले ये पिन जाएगी तो क्या होगा, जो भी हमारा लीकेज करंट होगा या शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो हमारा अर्थ हो जाएगा और हम शॉक लगने से बच जाएंगे और हमारा इक्विपमेंट भी बच जाएगा। ये इसको लंबा बनाने का रीज़न यही है। आपसे बहुत बार इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है कि हमारी जो अर्थ पिन है उसको मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है, तो इसको लंबा इसलिए बनाया जाता है कि जब भी हम इसको सॉकेट में इंसर्ट करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में हमारी ये पिन आए। मोटा क्यों बनाया जाता है, आपको रेजिस्टेंस का पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा होता है रो एल अपॉन में ए, तो ये क्या है, इस पिन का एरिया। ठीक है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा हमारा इसका, जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी जो करंट है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रेफर करती है, तो करंट इसमें जाएगी और लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रेफर करेगी। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे ये हमारा 3-पिन सॉकेट है तो गलती से कोई इन और इसमें इंसर्ट ना कर दे, इस वजह से भी हम इसको बनाते, अगर इसमें इंसर्ट कर दिया तो भी हमें शॉक लगने के चांस होते हैं, जिससे इसमें इंसर्ट ना कर सके हम, तो इस वजह से भी इसको इन दोनों से फेज़ और न्यूट्रल से अलग बनाया जाता है, इसका रीज़न ये होता है। अब हम कैसे करेंगे, अर्थिंग के टाइप देखेंगे। अर्थिंग से अब क्या होगा, जैसे ही अर्थिंग कर दी हमने तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाएंगे, हमारा इक्विपमेंट भी बच जाएगा डैमेज होने से। तो आपको रेजिस्टेंस के बताते हैं कि गुड अर्थिंग क्या होती है। गुड अर्थिंग वो होती है जो हमारी फॉल्ट करंट है और जो शॉर्ट सर्किट जो हमारी करंट है उसको, जो अर्थिंग हमारा लो सबसे कम जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी वो हमारी गुड अर्थिंग होती है। तो क्या होगा, जो हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, क्या ये कॉन्स्टेंट होती है, नहीं, ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होती है हमारी, ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है वेदर कंडीशंस में, सॉइल की कंडीशंस में, इन पे डिपेंड करती है। तो मान लो हमारा ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन में हमारे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और मान लो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेनी सीजन के टाइम पे
हमारा रेजिस्टेंस अलग होता है और हमारे प्लांट के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग रेजिस्टेंस सबके होते हैं। एक लार्ज पावर स्टेशन है उसका मैक्स रेजिस्टेंस होना चाहिए 0.5 ओम। एंड अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस है वो सॉइल पर कैसे डिपेंड करता है। द फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कंडीशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की हमारी क्या कंडीशन है। तो कंडीशन से क्या मतलब है, गीली मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, कैसी है, तो उससे हमारा रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो मान लो अगर ड्राई है हमारी मिट्टी, ड्राई होगी तो हमारी, अगर सूखी मिट्टी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर गीली मिट्टी होगी तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, तो हमारा वो गुड अर्थिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। सेकेंड है हमारा टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या टेम्परेचर है उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। क्वान्टिटी ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, मॉइस्चर की क्या क्वांटिटी है सॉइल में, उसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड वो होता है जिसे हम ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ते हैं, तो उसकी क्या तो साइज है और क्या शेप है, उस पर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर क्वांटिटी ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट, चारकोल कोयला और नमक की क्या क्वांटिटी हम डालते हैं उसमें। अब आप लोगों को ये पता है कि नमक और कोयला हम अर्थिंग में क्यों डालते हैं। नमक और कोयला हम क्या करते हैं, जब अर्थिंग बनाते हैं, हम अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें रॉड डालते हैं, प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग में, तो एक लेयर हमारी कोयले की होती है और एक लेयर कोयले की होती है, फिर एक लेयर नमक की होती है, फिर एक लेयर कोयले की, इस तरीके से हम लेयर बाई लेयर बना के चलते हैं। तो नमक और कोयला हम अर्थिंग में इसलिए डालते हैं जिससे हमारा मॉइस्चर बना रहे, नमी बना रहे अर्थिंग के अंदर। नमी बने रहने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अब हमें सिर्फ, अगर हमसे कभी भी कोई चीज़ अर्थिंग के बारे में पूछता है तो दो चीज़ पूछी जा सकती है, अर्थिंग क्यों करते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए, प्रॉपर्टी सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए, प्लांट सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी पर्पज। अब नमक और कोयला और अर्थिंग का बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, अर्थिंग के लिए हमें चाहिए लो रेजिस्टेंस, तो हमें वो जगह चूज करनी होगी जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब चारकोल और कोयला क्यों डालते हैं, तो बस कहीं पे भी बस चुप होके आंसर दे दो कि नमक और कोयला नमी बनाने के लिए चाहिए होता है। नमी बनाने से ज़्यादा बेटर जो आंसर होगा वो ये होगा आपका कि इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी जो करंट है शॉर्ट सर्किट करंट, उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा और वो उसमें इजीली आराम से जा पाएगी। ये हमारा नमक और कोयला डालने का उद्देश्य होता है अर्थिंग में। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अब अर्थिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है हमें कि अर्थिंग हमें क्या होता है, प्लांट की सेफ्टी के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए और जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, इंसान हो गया, जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, उन जीवित चीज़ों की सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग करते हैं, प्रॉपर्टी के सेफ्टी के लिए। अब क्या होगा, अगर कोई हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है लेकिन अगर उसमें अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा, अर्थिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे ही हम उस नॉन मेटलिक पार्ट को, मेटल पार्ट को हम टच करेंगे, टच करते ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, या फिर जैसे कोई घर हो है उसमें इक्विपमेंट में आग लग सकती है, सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं दूंगी। एक बार एक प्लांट था जिसमें मैं काम कर रही थी और क्या हुआ था, वहाँ पे हमने प्रॉपर 33 kV की लाइन थी, 33 kV की लाइन, 33,000 वोल्ट, इतनी बड़ी लाइन थी। अब उसमें काम चल रहा था, शटडाउन हो रखा था, प्रॉपर शटडाउन हो रहा था। क्या होता है, कभी कभी बैक फीडिंग भी आ जाती है। दोनों साइड हमने अर्थिंग रॉड लगा रखी थी, अर्थिंग रॉड GSS में होती है, बड़ी बड़ी रॉड्स होती है, उनको तीनों फेज पे RYB फेज पे टांग दिया जाता है, ठीक है। हमने तीनों फेज पर टांग रखी थी और जो बंदा है हमारा टेक्नीशियन ऊपर काम कर रहा था, काम करते क्या हुआ, एकदम से सडन क्या हुआ, कहीं दूसरी लाइन का तार उस लाइन पे गिरा और वो बैक फीडिंग आ गई। बैक फीडिंग से क्या हुआ, इतना शॉक लगा, पूरा सिस्टम हमारा बंद हो गया। पूरा सिस्टम बंद होने से क्या हो गया, जो बंदा हमारा काम कर रहा था उस पर वो शॉक लग के नीचे आया। अब वो तो गनीमत थी कि हमारे पास अर्थिंग थी, अर्थिंग हमने दोनों साइड अर्थिंग कर रखी थी, इस वजह से वो बच गया और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। बस इतना नुकसान हुआ, उसके शूज वगैरह जल गए, बस हाँ वो जिंदा बच गया, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें हमें वापस से कोई एक्सक्यूज़ देने की जगह नहीं मिलती, यहाँ पे हमें ऑन द स्पॉट सज़ा मिलती है। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल में काम करते टाइम सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखो। तो अर्थिंग क्या है, यही हमारी एक सेफ्टी का पार्ट है, तो इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। तो हम लाइफ की सेफ्टी के लिए
अर्थिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए, और जो बिजली की वजह से जो आग लग जाती है उससे बचने के लिए हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं घरों में। और क्या होता है, जो वोल्टेज होता है उसको रीजनेबल लिमिट में रखने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, जिससे हम इंसुलेशन ब्रेकडाउन से बच सकें, इसलिए भी हम अर्थिंग करते हैं। और हम क्या करते हैं, जो फॉल्ट करंट होता है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ या लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। और क्या, और एक और क्या आवश्यकता है हमारी अर्थिंग की, एक और आवश्यकता है जो प्रोवाइड द अल्टरनेटर पाथ। जो भी हमारा अल्टरनेटर पाथ क्या हो गया, तो हमारी बॉडी होगी या फिर अर्थ वायर होगा। अगर मान लो अर्थिंग नहीं है तो करंट कौन सा पाथ चूज करेगी लीक होने के बाद, हमारी बॉडी का पार्ट, तो हमें शॉक लग जाएगा। तो ये हमारा, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थिंग की आवश्यकता हो गई। अब इसी के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब हमारे अर्थिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अर्थिंग के हमारे टाइप होते हैं वाटर मेन्स अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग एंड स्ट्रिप अर्थिंग एंड रोड अर्थिंग। अपने सिलेबस में है ओनली पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग, इन दोनों को हम पढ़ेंगे सिलेबस एज अकॉर्डिंग टू VTER सिलेबस। तो पाइप अर्थिंग और रोड अर्थिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हम करेंगे। तो अभी हम इस ही अर्थिंग चैप्टर में दो और वीडियो बनाएंगे, तो उनको भी आप देखिएगा, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और भी अगर 303 में आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो मेरे से, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू।